जैन दोस्तों। चलो भाई देखो अपने क्या कहते हैं। आपने कहा कि कुछ नाराजगी है, झूठ मत बोलो। क्या नाराजगी आपको लगता नाराजी है? तो सिर्फ ज्यादा इकोनॉमिक्स पर है। मगर क्यों? टैक्सेस को बढ़ाए गए, फिर ये GST, इस सब में इतना कागज का काम करा दिया। नोटबंदी कल्पना अच्छी थी परंतु कोई तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं थी। सही पकड़े हैं। और जेटली को तो इकोनॉमिक्स पता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे देश में कोई इकोनॉमिक्स जानने वाला वित्त मंत्री था तो मनमोहन सिंह थे। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं। ऐसा क्यों है सर? मतलब मैं बहुत कैंडिडली आपको एक बात कहता हूं। मैं भी कैंडिडली जवाब जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेबाकी का तो मैं वैसे ही कायल हूं सर। झूठ बोल रहा है। बीजेपी में मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे नेता हैं, सांसद हैं, जो अपनी लाइन खुद तय करते हैं, पार्टी की लाइन नहीं टो करते। देखेगा, घबराना नहीं, देख साला अभी तुम देख यार। पार्टी के लिए सबसे ज्यादा प्रचार कर रहा हूँ, रोज घूमते रहता हूँ, मीटिंग्स एड्रेस करता हूँ। तो फिर तो वो देखना होता है। नहीं सर, अगर आप प्रचार आप में तो यह है कि जो जेटली के पीछे चापलूसी करेंगे तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे टेलीविजन में अच्छा काम मिलेगा। गजब बेइज्जती है सर। सर अगर आप प्रचार करें मोदी सरकार का और मोदी सरकार के प्रचार में कहें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जेटली फेल हो गए, हाँ, तो वो सरकार की तो आप नाकामी नहीं, 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 नहीं। जली ना तेरी भी जली ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के भावी शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि किसी दुष्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगले नहीं करूँगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सरकार के साथ सरकार के मंत्री का इतना मुखर विरोध किसी ने नहीं किया। ये तो तय करने वाली है सरकार, ये तय करने वाली है पार्टी, वो कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें इतना क्यों? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।